नमस्कार दोस्तों, अभी आप हमारे नए स्टूडियो में हो और हम आपको इसकी जो है इको की जानकारी देंगे। इसके अंदर हम साउंड प्रूफ अभी फॉर्म लेके आए हैं, दिल्ली से मंगाइए कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से, और इसके अंदर कितना इको है ये अभी आपको पहले चेक करवाते हैं बिना फॉर्म के, और फिर फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म लगाने के बाद इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा अड़खल हमें पहुँचा रही है, जो छोटा वोकल बूथ बनाया हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, तो जिसमें कलाकार खड़े होंगे और साउंड रिकॉर्डिंग होगी, तो उसके अंदर तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, आप भी देख रहे होंगे। तो अभी ये मैं इसलिए चेक करवा रहा हूँ कि हम जब फॉर्म पूरा लगा देंगे स्टूडियो के अंदर, तो उसके बाद हम चेक करेंगे, आप दोस्त कमेंट के द्वारा बताएंगे कि इसके अंदर कितना अंतर है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा होम स्टूडियो और मैंने अपने बेटे के लिए, ये है मोहब्बत सिंह, इसके लिए मैंने ये स्टूडियो तैयार किया है। बहुत दिन लग गए स्टूडियो तैयार करते करते, अभी पूरा तैयार तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट ज़रूरी होता है कि साउंड प्रूफ इकोसिट साउंड जो फॉर्म है वो कहाँ से आपने लेके आनी है उसका एड्रेस दे दूँगा, इसमें कंडक्टर नंबर दे देंगे आपको, तो आप ही मंगवा लेना। अब मैंने साउंड प्रूफ जो किया है उसके, जो साउंड प्रूफ नहीं किया था उससे पहले कि मैंने वोकल रिकॉर्ड किया वो भी आपको इसके अंदर दिखाएंगे, और मैंने जो काम किया है 2 दिन लग गए, बहुत मेहनत लगी सच में। बेटा और मेरा काम दोनों का पूरा एक लगाओ कुचुम पर निकल गया, पैर दर्द हो रहे थे रात भी, तो इसलिए हमने जो काम किया है साउंड प्रूफ का वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा लोकल जो है हमने काम किया है, वो ये दिल्ली से आया है और इसके ऊपर ये नंबर लगा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है मेरा हंसराज, और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है, वहाँ से मैं अभी लेके आया हूँ घर पे, और इसको अभी पैकिंग की हुई है, देखते हैं कैसा निकलता है माल। ऑनलाइन बुकिंग करके मंगाया है, कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से स्टूडियो तैयार हो चुका था, लेकिन आप दोस्तों को पता है ये फोन वाली समस्या बहुत चल रही थी, लेकिन अभी किसी न किसी से जुगाड़ फिट करके एक और मंगाया है, क्योंकि इसके बिना तो स्टूडियो अधूरा होता है, तो क्योंकि वोकल और रिकॉर्डिंग मैंने काफ़ी बार करके देखी है तो उसमें से मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए। और पैकिंग के अंदर भी बहुत बढ़िया की हुई है, पैकिंग तो बहुत बढ़िया की हुई है, अभी आप देख रहे हो, तो ऊपर से इसका जो पैकिंग थी उसको खोल दिया है। ये मेरा बेटा मोहब्बत सिंह है, ये स्टूडियो भी इसी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 10 पीस मंगवाए थे दोस्तों, 8 पीस तो ब्लैक वाले थे और 2 पीस येलो वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, तो अभी तक तो ठीक लग रहा है, बाकी भी इसको खोल के हम पूरे को खोलेंगे और उसमें देखेंगे किसी प्रकार। मेरे ख्याल में ये जो हमने मंगाया है रजत अरोड़ा जी हैं दिल्ली के अंदर करोल बाग के अंदर, उसका एड्रेस भी मैं दूंगा आपको जो मैं मंगाया, मेरे ख्याल में उनकी डीलिंग मेरे को तो ठीक लगी है, अभी इसको और खोलते हैं फिर आपको पूरा इसका जानकारी देंगे। अभी मैं रिबन काटने वाला हूँ इसका, ये देखो ये है, बहुत नाजुक है, बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, और पैसे भी लगे हैं भाई, इसको संभाल के काम करेंगे। पता नहीं भाई नीचे दबा के काट, हो
इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई, और अच्छा ध्यान से करता हूँ ना। छत दोस्तों कंप्लीट हो गई है इसकी, अभी साइड चल रही है तो सीन उप सीन हो रहे हैं, गर्मी के दिन हैं और ऐसा पहले ख़त्म हो गया था, अब दोबारा ले आके इसको दोबारा काम शुरू हमने किया है। अभी आप देखें इधर से मेन गेट जो एंट्री है उसके ऊपर छत पे, और यहाँ पे एक गैलरी इधर से मैंने रखी हुई है, जैसे कोई भी बाहर से आता है तो मुझे पता चलना चाहिए बाहर से आवाज़ ना आए। यहाँ पे मैंने दर्पण लगाया हुआ है, ये ऊपर साइड में एक कुर्सी चेयर, और इसके अंदर ये सारा सामान जो पड़ा हुआ है इसके ऊपर, जैसे वहाँ पे मैंने ऊपर लगा रखा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे वो अपने क्या बोलते हैं रखते हैं जो उसके लिए भी स्टूडियो मॉनिटर जो है उसके लिए मैंने जगह तैयार की हुई, उसके अभी लेके नहीं आया। हाँ जी, अब ये है हमारा जो वोकल बूथ है, सबसे ज़रूरी पॉइंट। पहले इससे ऊपर मैं ऊपर दिखाता हूँ छत का, आप देख लें छत के ऊपर मैंने नॉर्मल सी भी, हो सकता है कि भाई हमें बाहर भी कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन मैंने जो वोकल बूथ है उसमें देखो कि वास्तव में मैंने जो नोट किया कमाल की, हाँ ये मेरा बेटा है लाइट जलाएगा अभी, तो इधर मोहब्बत सिंह देखो ये सामने अभी आप देख रहे हो, मेरे ख्याल में कोई जगह छोड़ी ही नहीं हमने यहाँ पे, ये इसकी छत कहीं कोना, मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की है, यहाँ पे ये है आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्टैंड के रूम में स्पेशल फर्नीचर से इख्तियार करवा दिया था, यहाँ पे बुक रख के कोई भी जैसे कलाकार अपना सॉन्ग बोलता है तो वहाँ रख सकता है, ये हेडफोन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक ये मुझे कॉलेज समय का सॉन्ग था, उस समय की मेरी एक जैकेट बनाई हुई जो सिंगर के पास होती है, ये एक प्रयास किया हमने, और नीचे मैट लगाया हुआ है, और इसके अंदर अब हम आवाज़ आपको दिखाएँगे, पहले वाली आवाज़ भी दिखाएँगे और अब वाली आवाज़, आप खुद इस पर जज इसके आप खुद हैं। अभी क्लैप करके दिखाना महबूब सिंह, क्लैप के अंदर क्लैप करो, हेलो 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 हेलो, मुझे तो मैंने तो कल इसमें रिकॉर्डिंग करके देखी थी स्टूडियो पे, तो भाई गुड, मुझे तो आनंद आ गया कि पता ही नहीं चल रहा था कि कोई आवाज़ नहीं, तो पहले इसमें अंदर आपको दोनों आपको कॉम्बिनेशन करके दिखाएंगे आप, और आप खुद जज करना कि साउंड प्रूफ करते हुए, और यहाँ से हम लेके आए हैं उसके बारे में आपको एड्रेस इसके अंदर दे दूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी है वोकल बूथ, अलग सा वैसे तो कैमरे के लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन वोकल बूथ अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैंने अपने घर के अंदर स्टूडियो तैयार किया है। कोरोना काल में ये सामान मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कहीं से कॉन्टैक्ट करा के, तो आपको भी अगर लगता किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, तो आप मेरे से कोई प्रॉब्लम आए इसके बारे में पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये हमारा सामान भी पड़ा हुआ है, तो लगभग हमारा जो स्टूडियो है इसके अंदर जो साउंड प्रूफ का काम है वो हमने पूरा कर दिया है। धन्यवाद।